दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कोरोना वायरस है, COVID-19, उसमें उसकी क्या क्या वर्डिंग है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत अच्छा वीडियो है। इसे ज़रूर पूरा देखें और ज़रूर सुनें। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, वायरस। वायरस मतलब क्या होता है, विषाणु। दूसरा नंबर दिया अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब क्या होता है, ग्रसित। फिर क्वारंटाइन, क्वारंटाइन मतलब अलग करना। तो ये सब वर्ड जो होंगे हमने सुना होगा COVID-19 में, ये सब वर्डों का बहुत यूज़ हुआ है। तो फोर्थ नंबर क्या है, पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी महामारी। सर्वव्यापी महामारी मतलब ये पूरे विश्व में फैला हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी, उसी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग प्रयोग करते रहे थे। आइसोलेशन मतलब एकांत में रहना, मतलब किसी से कोई टच नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़ को, तो उसको आइसोलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब हो जाएगा महामारी। और सिम्टम्स मतलब होता है हो जाएगा लक्षण, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब सिम्टम्स हो गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, वैक्सीन आ गया। वैक्सीन से टीका लगवाया हम लोगों ने। फिर उसके बाद आ जाएगा 10 स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलाव, जैसे एक दूसरे से कैसे ये फैल रहा है, उसी को स्प्रेड शब्द इसके लिए यूज़ हुआ है। तो ये 10 थे COVID-19 के वर्डिंग, जो बहुत अच्छे हैं। अब हमें पता होना चाहिए इस टाइप के वर्ड क्या क्या होते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, वायरस। दूसरा, वायरस मतलब विषाणु। अफेक्टेड मतलब ग्रसित। क्वारंटाइन मतलब अलग करना। पेंडेमिक मतलब सर्वव्यापी महामारी। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखना। आइसोलेशन मतलब एकांत। एपिडेमिक मतलब महामारी। सिम्टम्स मतलब लक्षण। वैक्सीन मतलब टीका। स्प्रेड मतलब फैलाव। ओके दोस्तों, थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।